चुनाव के नतीजे सामने आने के साथ ही सियासी घमासान भी तेज होने लगा है। अकेले बीजेपी को 74 सीटें मिली हैं, तो वहीं जेडीयू महज 43 सीटों पर सिमट कर रह गई है। चुनाव के नतीजों में एनडीए गठबंधन को मिली जीत के बाद अब विपक्षी खेमा आगे की रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। इसी बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर ट्वीट कर उनसे बड़ी बात कह दी है। दिग्विजय सिंह ने जेडीयू अध्यक्ष से बीजेपी का साथ छोड़कर तेजस्वी को आशीर्वाद देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि नीतीश जी, लालू जी ने आपके साथ संघर्ष किया है, आंदोलनों में जेल गए हैं, बीजेपी संघ को छोड़िए, देश को बर्बादी से बचाइए। हालांकि दिग्विजय के इस ट्वीट पर कांग्रेस ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस नेता पर पलटवार भी किया है। बिहार चुनाव में कांटे की टक्कर के बाद एनडीए गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया है। फाइनल नतीजों के बाद बुधवार सुबह में दिग्विजय सिंह ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। इसमें उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर अपनी बात रखी। कांग्रेस नेता ने सीधे तौर पर अपने ट्वीट में नीतीश कुमार से बीजेपी का साथ छोड़ने की अपील की। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में कहा, नीतीश जी, बिहार आपके लिए छोटा हो गया है, आप भारत की राजनीति में आ जाएं। सभी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोगों को एकमत करने में मदद करते हुए संघ की अंग्रेजों की ओर से पनपाई गई फूट डालो और राज करो की नीति ना पनपने दें, विचार जरूर करें। दिग्विजय सिंह ने अगले ट्वीट में लिखा, यही महात्मा गांधी जी और जयप्रकाश नारायण जी के प्रति सही श्रद्धांजलि होगी। आप उन्हीं की विरासत से निकले राजनेता हैं, वहीं आ जाइए। आपको याद दिलाना चाहूंगा, जनता पार्टी संघ की ड्यूअल मेंबरशिप के आधार पर ही टूटी थी। बीजेपी संघ को छोड़िए, देश को बर्बादी से बचाइए। कांग्रेस नेता ने लिखा, बीजेपी संघ अमर बेल के समान है, जिस पेड़ पर लिपट जाती है वो पेड़ सूख जाता है और वो पनप जाती है। नीतीश जी, लालू जी ने आपके साथ संघर्ष किया है, आंदोलनों में जेल गए हैं, बीजेपी संघ की विचारधारा को छोड़कर तेजस्वी को आशीर्वाद दे दीजिए। इस अमर बेल रूपी बीजेपी संघ को बिहार में मत पनपाओ। हालांकि दिग्विजय सिंह के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह का बयान उनकी हार की पीड़ा है, उनका भी मीडिया में बने रहने का ये तरीका है, उनकी बातों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने दिग्विजय के ट्वीट से खुद को अलग कर लिया है। पार्टी नेता ने कहा कि ये उनका विचार है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल SPN9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।